ये जो है यहाँ पर एक 9 साल की बेटी के साथ में गैंग रेप करके उसको जो ना जिंदा जला दिया शमशान घाट के अंदर। उसके बाद जो है ना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये लोग जो है ना जब गांव के लोगों को पता चला तो गांव के युवा साथी और लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो उन दोषियों को भी पकड़ा और पुलिस को भी वहाँ उनको हैंड ओवर किया और उस लड़की को जलती जो चिता के अंदर डाला हुआ था बगैर उसके वहीं का वहीं उसको बाहर निकाल। सर, इस शमशान घाट में ये ग्रामीणों का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ पर कोई कार्रवाई होती है तो वो आधार कार्ड वगैरह सब चेक करते हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी जांच ऐसी नहीं की गई है शमशान घाट के द्वारा, उस पर विषय पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, वो करने वाले तो दो शमशान घाट के पंडित जी रो साथ में वही तो दोषी थे ना, उन लोगों ने तो फिर किसी आधार कार्ड क्यों लेंगे वो। और दूसरा जो ना इसमें प्रशासनिक जो बताया जा रहा है जो ना लोकल विधायक की भी दखलंदाजी रही है यहाँ पर, कोई उसके जान पहचान के कोई सर विधायक तो आपके कादियान आम आदमी पार्टी से ही है सर, आम आदमी पार्टी से हो चाहे खास आदमी पार्टी से हो, वो तो विधायक है जिस भी इलाके का है उसको जो ना न्याय करना चाहिए। ये नहीं कान में तेल डाल के सो जाओ, कुछ भी होता रहो लोग उसका दरवाज़ा पीट रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसी घटनाएं रोज होती रहती हैं, मैं नहीं निकलने वाला। और उस बेटी के माँ बाप को जो ना लगातार जो है ना थाने में बिठाए रखा पूरी रात, और विधायक को नींद कैसे आ गई अपने घर में पूरी रात। सर, ये जो प्रशासन के ऊपर बात आ रही है, जब शुरू में कार्रवाई हुई इस तरह से और पुलिस प्रशासन की भी गलती इसमें बताई जा रही है, उस विषय पर क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन की गलती है तभी तो विधायक की गलती निकल के आ रही है, तो दोनों मिले हुए हैं तभी तो वो घटना हुई है, नहीं तो विधायक होते हुए पुलिस की क्या ताकत है किसी के घर में डेथ हो जाए और उसके माँ बाप को भी जो ना पुलिस उठा के ले जाए और जो ना बीच में जलती हुई लाश से बंदा निकाला जाए और इतना बड़ी दरिंदगी हो जाए और विधायक सोता रहे, कहे कि ऐसी घटनाएं रोज होती रहे। सर, आप पूर्व विधायक है दिल्ली के एंड से ही, सबसे पहले आप ही विधायक रहे यहाँ से, अब की बार विधायक जो है बदला गया, लेकिन ये आप इस विषय पर क्या आप सोचते, अगर आप विधायक होते तो आप कौन कौन से ऐसे स्टेप उठाते? मैं तो मौके के ऊपर पहुँचता और इसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए तैयार होता, थाने के अंदर जो है घटना होने नहीं देता। थानेदार की क्या हिम्मत है, पुलिस की हिम्मत क्या है? पुलिस तो नौकरी करी काम कर रही है, उसकी जिम्मेवारी है विधायक की अपने एरिया को सुरक्षित रखना। तो जब घटना हो रही, जब खेत अगर को तो अगर बाढ़ खाने लग जाएगी, अगर विधायक ही दरिंदों की पैरवी करने लगेगा तो फिर न्याय कहाँ गरीब को मिलेगा? सर, यहाँ जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है, कल अगर देखा जाए कल की जो घटना हुई है, काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक तत्व भी यहाँ पर थे और आप जैसे आए, आप तो यहाँ के विधायक ही है, खैरपुरी विधायक है, लेकिन कुछ और सामाजिक तत्व भी थे जो यहाँ पर थे, तो ये जो राजनीति शुरू हो गई है ये सामाजिक मुद्दा है एक्चुअली, सभी पूरे समाज के लिए, लेकिन इसे जो राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, राजनीतिक लोग तो आते हैं जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो समाज के ही लोग हैं, राजनीतिक आदमी कोई अलग से पैदा नहीं होते, वो भी समाज से पैदा होते हैं, समाज के लोग उनको आगे बढ़ाते हैं और आना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ सब राजनीतिक लोगों को आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए इस विषय के ऊपर, तो कानून बनने की जो काम है, जो जिम्मेवारी तो सारी राजनीतिक लोगों के कंधों के ऊपर ही है। अगर राजनीतिक लोग, यहाँ का विधायक राजनीतिक जो है, वो अगर सही डिसीजन लेता न्याय दिलाने के लिए, बेटी के पाले में खड़ा होता, ना कि दुष्टों के पाले में खड़ा हुआ हो, तो अपने आप न्याय। सर, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप विधायक है यहाँ से, पूर्व विधायक है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर आपकी सरकार में आपने जो है यहाँ पर कार्यभार आपने संभाला है, अभी जो गाँव वालों की जो दशा है, ये जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लेकर के क्या आपको लगता है कि न्याय इनको मिलेगा सबको? मैंने खुद ने राजनीति से फिलहाल कोई दूरी बना रखी है, मैं किसी पार्टी की नहीं, तो मैं इसमें बीजेपी दोषी है, आम आदमी की सरकार है वो भी दोषी है, जो भी सत्ता में वो लोग दोषी, ठीक है। दूसरी जो बात है, ये सब बातें जो बोले पूरे गांव के लोग बोल रहे हैं, टीवी माध्यम से ही बोल रहे हैं या स्टेज से ही बोला जा रहा है, जो चीज़ें जो घटना हुई है और जिस चीज़ के लिए, तो इसमें क्या जो चीज़ है ना, गांव समाज जो गांव जो किसी बात को बोलता है, या हम तो नहीं, हमने देखा गाँव के लोगों ने विधायक को यहाँ से पीट पीट के भगा, चप्पल फेंक फेंक के महिलाओं ने भगाया, ये आपको पता चला होगा पूरा गांव। मुख्यमंत्री यहाँ आया, मुख्यमंत्री यहाँ जो स्टेज था, गुंडे लेके मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचा, जो विधायक ने गुंडे खड़े किए तब वो हुआ है, वो स्टेज भी टूट गया, इतने चढ़ गए, इतनी गुंडागर्दी हुई यहाँ पर। वो जो बेटी का पिताजी है उसको गला दबा के जो ना उसको ऊपर चढ़ रहे हैं, उसको न्याय कहाँ से मिलेगा, उसको भी बताओ कैसे न्याय मिलेगा। न्याय के ऊपर ही बात करते हैं सर, अब पुलिस प्रशासन जो कह रहा है और जो न्याय की आप बात कर रहे हैं, तो अब न्याय कितने दिन में मिलेगा, क्योंकि अभी 3-4 दिन से आप भी यहाँ पर आ ही रहे, कंटिन्यू आप लोगों से आपसे आप मिल रहे हैं,
आपको भी मालूम है यहाँ के बारे में क्या जो भी स्थिति है, न्याय के बारे में आप क्या बोलेंगे, न्याय कैसे मिले? जब आप लोगों ने सोशल मीडिया ने जब दबाव बनाया है, दो दिन बाद अभी कह रहे कि हमने FIR कर दी, उसको पहले नहीं की है? पहले वो SHO पर क्या दबाव था, किसके दबाव नहीं कर रहा था ये बताओ मुझे। राजनीतिक प्रेशर में, विधायक के प्रेशर में वो FIR नहीं कर रहा था, क्योंकि वो विधायक का भाई भतीजा कौन उसमें बीच में शामिल है, ठीक है। तो अब जब इतना जो अनर्थ हो रहा है इस देश में, अगर आप लोग जिंद नहीं आवाज़ उठाते, नहीं ये बात करते, तो FIR ही नहीं होनी थी। इससे पहले यहीं पर दो लड़कियों के साथ इन्हीं लोगों ने बलात्कार किया है, एक लड़की की डेथ होगी, कोई पता ही नहीं, कोई FIR हुई नहीं, सब कागज़ दफन कर दिए, क्योंकि एक ग्रुप बना हुआ है, मिल के दारू बेचते हैं यहाँ पर, मिल के गांजा बेचते हैं, मिल के सट्टा चला रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था कैंट के अंदर चरमराई हुई है। तो सर इस विषय पर अब आप क्या अगला नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा सर? ये जो पूरी कमेटी जो अभी डिसीजन ले रही है, यही है कि कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस जाए, थाने में जिन जिन लोगों की गलती है, थाने के अंदर पिटा है उसके माता जी पिताजी को वहाँ दबाव बना के, उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए, और साथ ही अरविंद केजरीवाल भी ऐसे निकम्मे विधायक के ऊपर एक्शन ले जो कि इतना घनिष्ठ अपराध होने के बाद भी दोषियों के साथ में खड़ा।